हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिश भारद्वाज और मैं प्रोफेशनल रैली रेसर हूँ फ्रॉम कुल्लू मनाली। भाई ये खतरनाक है, भयंकर। ओ ओ ओ ओ गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो कसोल से स्टार्ट हो रही है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी से ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे आज तो हम लोग जाने वाले थे घर, मैं और विनायक, बट एक रैंडम प्लान बना। ठीक है, मेरे एक फ्रेंड है नीतीश भाई, जो कि नेशनल चैम्पियन है, तो उनका मुझे ना कॉल आया था। ठीक है, तो हमने सोचा कि जाते हुए ना भाई के साथ मिलते हुए चलते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई जाएंगे मिलेंगे तो आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगा और उनकी स्किल्स भी थोड़ी सी शेयर करवाऊंगा आपसे। और वो हमें मिलने वाले हैं भूंतर में। ठीक है, तो अपने जो सब्सक्राइबर्स थे जो बोल रहे थे कि मिलने के लिए, ठीक है इस बार प्लान बन नहीं पाया, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम हम साथ में राइड करेंगे। भाई मैं फुल रेडी हो चुका हूँ और यहाँ पे भाई रेडी हो रहे हैं, पैकिंग हो गई। ठीक है, बैग सेट हो गया, तो अभी निकलते हैं भाई। ठीक है, चल 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 आगे। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं अभी। हाय, तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, पेट्रोल खत्म ही है एक तरह से। भाई करते हैं कसोल को बाय बाय टाटा। सारी गेम माउंटेन्स की, पूरा सन को रोक लेते हैं और उस वजह से ना सनराइज नहीं हो पाता जल्दी। तो आगे हमें कॉप्स भी मिल सकते हैं, चेकिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि ये जो एरियाज हैं मलाना और ये कसोल ना, तो यहाँ पे यू नो गाइस यहाँ पे स्टफिंग बहुत ज़्यादा होती है इधर से उधर। पर अपने को कोई सीन नहीं है, अपने को तो डर सिर्फ नंबर प्लेट का है और वहाँ पे एग्जॉस्ट का है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है भाई, सीधा रूम पे आते हैं। रूम पे आने के बाद वीडियो एडिट करनी पड़ती है, मतलब चिल करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उसका पता ही नहीं लगता भाई। मेरे तो गोप्रो का ना स्टोरेज ही फुल हो गया था, मुझे तो आइडिया भी नहीं है कि मैं जाते टाइम वीडियो बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। 128 GB का मेमोरी कार्ड है एंड ये फुल हो गया। गोप्रो का ना एक एक क्लिप, दो दो मिनट का क्लिप ना 2-2 GB पहुँच जाता है कभी कभी तो। ये पार्वती वैली है ना, ये ऐसा एरियाज हैं छुपे हुए हैं माउंटेन्स के चारों तरफ, छोटे से गांव हैं जो कि छुपे हुए हैं। एंड गाइस आप लोगों को रिएक्शंस देखने हैं, तो रिएक्शंस ये देखो भाई किस तरह के रिएक्शंस आते हैं। ये चेक करो, फाइनली भाई पेट्रोल पंप तो मिल गया। गोप्रो गोप्रो हाँ आप यूट्यूब पे अधिक्षित करा दे। हाँ क्या बात है, यहाँ पे तो नो ATM लिखा हुआ है। क्या साबित है? एग्जॉस्ट के साथ भी गाइस इतना माइलेज दे रहा है बाइक, भयंकर। मुझे भी लगा लेना चाहिए फिर हुगो का वापस। गोप्रो का स्क्रीन साफ करना पड़ता है क्योंकि डस्ट इतना उड़ता है ना बार बार थोड़ी थोड़ी देर में कि वो स्क्रीन में बैठ जाता है, पता नहीं लगता कि भाई गंदा है या नहीं है भाई। पर मैंने एक चीज़ देखी हुई है, अगर पेट्रोल ना एक साथ डलवा लेना बाइक पे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज देता है। लो गाइस पहुँच गए हम लोग कुल्लू में नहीं सॉरी भूंतर में। गाइस यहाँ पे रुके हैं हम भूंतर में, ये देखो ये भूंतर का पुल है, यहाँ पे हम जूस वगैरह पीने के लिए रुके हैं और नीतीश भाई आ रहे हैं भाई, यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं उनका। हेलो हेलो सर, कैसे? बढ़िया भाई बढ़िया, और कैसे हो? कहाँ चली जा फिर भाई? तो फुल पावर, फुल पावर। आप बताओ। बस भाई बहुत ही क्रेजी है यार, मैं तो पीछे 3 बार रुक गया था। फिर कैसा लगा? मोटा ही मस्त। बच्चा तो नहीं गिरने से? नहीं 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 भाई, इस लोकेशन के बारे में बताओ नीतीश भाई कुछ। भाई जी ये है काइस्टार इको ट्रेल्स, स्पेशली फॉर डाउन हिल साइकिलिंग के लिए। तो ये टोटली रहेगी लगभग 1 से 1.5 घंटे की ट्रेल रहेगी ये। 1 से 1.5 घंटे। देखो भाई ये लोकेशन है, कितनी प्यारी लोकेशन है भाई, नीचे देखो तो फक। कुछ टाइम के बाद जैसे कि जो बाइक राइड्स वगैरह यहाँ पे बंद हो जाएगी, तो बस अभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं हम जब तक ये बंद नहीं होगी ट्रेल। ये थोड़ा सा खतरनाक ही खतरनाक है भाई, यहाँ पे स्किट हो रहा है, टायर पीछे नहीं हो रहा था भाई। ये देखो, क्या तुम्हें स्पोर्ट्स बाइक वाले ले जाएंगे ऐसी ऐसी जगहों पे? इधर तुम्हें सिर्फ एक प्योर ऑफ रोड बाइकर्स ही ले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें ऐसे डाउन हिल आपको सिर्फ मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। ओ माई गॉड, हाँ। और ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। ओह माय गॉड, विनायक स्लो स्लो भाई, यहाँ से गिरी तो गई। प्रैक्टिकल कार है ना कहीं भी? हाँ। तो क्या करना, अपने बाइक का जो वेट रहेगा हमेशा पार की तरफ रहेगा। क्रेजी, ओह भाई क्रेजी सीन्स। ये रास्ता नहीं बना भाई अभी। ओ ओ
ओह भाई खतरनाक ही राइड हो रही है आज की तो। विनायक का वेट करता हूँ यार, क्योंकि ये देख लो भाई इस तरह के ट्रेल्स हैं। वो भाई ओ सही बोला था नीतीश भाई ना, अभी तो आपको आपकी हालत ख़राब हो जाएगी रियलिटी में देख के आगे डाउन हिल को भाई। पर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सारी बाइक्स नहीं चल सकती, यहाँ पे R15 चल सकती है पालमपुर वालों की, उनको कोई सीन नहीं है। ओ भाई ये तो एक्स्ट्रा ही हो रहा है भाई। हो इजी लटा के रखना, लटा के भाई ने आज करवा दिया हमें खतरनाक एडवेंचर। यहाँ पे तुम स्पीड स्लो नहीं रख सकते, तुमने स्लो रखा स्पीड तो भी दिक्कत है कि एक्चुअल में साइकिलिस्ट के लिए बन रहा है तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। विनायक बाइक को ना लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा, एक एंगल में रखना पड़ेगा, और हमें नहीं पता ये कितना ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है भाई। ओ भाई 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 क्रेजी भाई, ये पाइप्स का बड़ा गंदा सीन है। सो लेट्स गो, मेरे GoPro में ज़्यादा बैटरी भी नहीं है। अरे यार ये खतरनाक है, ये खतरनाक है भयंकर। फाइनली सारे हम पार करे जा रहे हैं ऑब्स्टेकल्स को, सेफली नीचे पहुंच जाएं, और आज की राइड तो भाई सभी को याद रहेगी इस खतरनाक ट्रैक की, इस खतरनाक वैली की। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू मैन। अरे भाई ये भी खतरनाक है भाई, खतरनाक। ओ ओ ओ ओ भाई ये खतरनाक था भाई, इस साइड को बाउंस कर रहा है ना बाइक, यहाँ पे थोड़ा सा अंकल देख रहे हैं कहाँ से आ गए। विलेजर्स आ गए थे बोलने के लिए कि आगे भाई तुम लोग आ कैसे गए यहाँ पे, आगे तो रास्ता भी खतरनाक है, वेरी डेंजरस। पूरा मस्त सीन, मेरा बाइक एक साइड को क्यों चल रहा है भाई, यहाँ पे पाइप्स निकली हुई है ना गाइस, पाइप्स पे ना टायर बुरे हाल से जाता है भाई इधर से उधर, फिर तो नोबी भी हमारी कुछ नहीं कर पाएगी। पूरा रॉ वीडियो बनाया मैंने, ये व्लॉग अलग से पोस्ट होगा। ओ ये देखो ये पाइप्स का ये सीन है भाई, ओ लग गया बाइक। यहाँ पे पाइप्स को देखना पड़ेगा भाई, बोल रहे हैं यहाँ पे निकली हुई है बहुत ज़्यादा, एंड ये हम कहाँ ही पहुँच गए हैं, कोई जगह बताई थी भाई ने, मैं नाम भूल गया उसका यार। बाकी राइडर्स जो अपने हैं जो बोलते रहते हैं राइड्स के लिए, उनके साथ भी आ जाता मैं, बट ओ ओ ये तो सीन हो गया भाई, यहाँ पे होगी लैंडस्लाइड। वैसे नीचे तो रास्ता है, यहाँ से नीचे को नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे टर्न करना पड़ेगा बाइक, देखो वहां से उतारना पड़ा एकदम से। हाँ हाँ फाइनली एक बाइक तो निकल गया यहाँ से।
अभी रह गई दो। आराम से आराम से आराम से। अभी मेरा टर्न है। आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं भाई। अभी एक बार फिर से बोलना सही बात भाई। रियल एडवेंचर पूरा ऐसे रियल तो ऐसे खड़े एडवेंचर अभी। कोई ना, निकलेंगे धीरे धीरे भाई। हम लोग ज़्यादा करते नहीं है ना एंड्यूरो, इसलिए थोड़ा सा रहता है दिल में, अदरवाइज तो हम निकाल ही लेते हैं भाई। ओ ओ ऑफ हो गया बाइक गलत टाइम पे। ऑफ नहीं होना चाहिए भाई बाइक। डैम एक और पाइप आ गई है यार, पाइप्स ने ना बुरा हाल किया हमारा। मिट्टी पूरी नीचे जा रही है और ओ ओ पूरा जा सकता है नीचे को, ये बताए। ओ ओ गया गया गया, रुक जा बाइक गया। एक मिनट, हमारी बारी भाई। यहाँ पे नीचे ना टूटा भी हुआ है रास्ता। ओ गया बाइक नीचे। ओ और ये दिक्षु भाई का छोटा मोटा क्रैश। चलो स्टार्ट करूं? नहीं नहीं स्टार्ट मत करो, ऐसे निकाल दो धक्के से। हो तो भाई यहाँ पे ऊपर आंटियां वगैरह बैठी हुई हैं एंड ये लोग देख रहे हैं कि भाई ये लोग जागा रहे हैं। अरे भाई क्रेजी भाई, कितना डाउन हिल है ये। ओ भाई नीचे जाती बाइक सीधी। ओ भाई टोटली अप है भाई ये। कभी कभी उतरना पड़ता है, नहीं तो ये पेड़ था। हाँ देखिए ये था जूते के बाद क्या कुत्ता पड़ गया था पीछे। अभी हमारा एक मिशन और पार हो चुका है पेड़ वाला। पेड़ ना बड़ा खतरनाक तरह से गिरा होता था, बट अभी नहीं है भाई, अभी सही है सब। आगे का नहीं पता आगे क्या क्या होने वाला है, कैसा कैसा रहने वाला है सब कुछ भाई। ओ बस भाई हम लोग पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा रह गया, उसके बाद भाई सीधा चलेंगे अपने रूम पर। बाकी देखते हैं विनायक को पता कि आज जाएंगे या फिर कल जाएंगे। अरे बाप रे नाइस डाउन हिल, यहाँ पर टायर पंचर हुआ मतलब सब ख़त्म हुआ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं किसी गाँव में। ओ ओ यहाँ पे घर देखो कितने प्यारे घर हैं। ओ भाई डाउन हिल वाली फील आ रही है पूरी पूरी। ओ ओ अगेन सीढ़ियों पे। ओ हो 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 फाइनली ये ट्रैक हुआ यहाँ पे खत्म भाई। पहुंच चुके हैं अपने होटल पे एंड अभी हमने होटल चेंज किया क्योंकि अभी हमने लिया है भुंतर में और यहाँ पे नीचे बाइक्स खड़ी हैं एंड ये नीतीश भाई की गाड़ी क्योंकि इन्होंने बाइक घर पे पार्क कर दिया था। और लोकेशन कुछ ही है भाई ये देखो। तो भाई फाइनली अभी आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ भाई मैं नीतीश भाई से। और सबसे पहले नीतीश भाई थोड़ा सा बताओ।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष भारद्वाज और मैं प्रोफेशनल रैली रेसर हूँ फ्रॉम कुल्लू मनाली। तो नेशनल चैंपियन? यस, नेशनल चैंपियन तो नहीं बन पाया बट हाँ नेशनल चैंपियन है। ब्रो ये बताओ कि आपने कितनी रैलीज खेली हैं अभी और कितनी विन करी हुई हैं? भाई देखो, भगवान की कृपा से जितनी भी रैली मैंने आज तक खेली है सब की सब विन की है। अरे वाह। तो 15 रैलीज मैंने खेली है, उसमें से कुछ क्रॉस कंट्रीज थी, कुछ INRC इवेंट थे, 5 INRC इवेंट थे, मतलब सभी में। हाँ, होपफुली सभी में, भाई सभी में विन किया है और सभी में पोडियम फिनिशेस है। अपना बाइक? बाइक तो देखो भाई ज्यादा नहीं है, मैं ओनली एक ही बाइक चलाता हूँ, एक्सपल्स है, एक्सपल्स हीरो एक्सपल्स 200 ग्रुप डी, और मैं हर रैली में ग्रुप डी ही चलाता हूँ। ग्रुप डी बोले तो फुल स्टॉक बाइक। अच्छा नीतीश भाई एक बात पूछता हूँ आपसे। बोलो भाई, आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है भाई नेशनल चैंपियन बनना और डकार खेलना। डकार, जैसे कि ये रिलीज होती है, मेरे पास तो नहीं है फिलहाल, ठीक है, मैं तो फन के लिए करता हूँ। आपको स्पॉन्सर्स वगैरह भी हैं और आपको स्पॉन्सर्ड से बाइक्स वगैरह भी मिलती हैं? यस, है कि जैसे कि इस टाइम नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी टीम है TR2 रेसिंग इंडिया, किटअप्स रहते हैं तो उसके लिए हमें स्पॉन्सर करता है MX स्टोर। FXR यूज करता हूँ तो FXR इज ऑल्सो माई स्पॉन्सर। तो भाई हमारा मीटअप के बारे में बता दो, हम कैसे मिले थे? तो क्या था कि जैसे कि आज से लगभग 3-4 साल पहले क्या था, मैं स्टंट राइडिंग करता था और दीक्षु भाई भी स्टंट राइडिंग करते थे। सेम बाइक्स? हाँ सेम बाइक्स थी एक्चुअली हमारी। यस, तो हमारा जैसे कि मैं NS 200 राइड करता था तो उस चक्कर में हमारा जैसे कि मतलब कि आपस में कॉन्टेक्ट हुआ। हाँ उस टाइम से हमारी फ्रेंडशिप है तो आज हमारी फ्रेंडशिप शायद मोर देन 4 इयर्स या ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा हो गया। अच्छा ब्रो एक बात बता दो, जो अभी के नए ऑफ रोड करने के लिए आ रहे हैं लड़के, उसके बारे में बता दो कुछ नेगेटिव, जो नेगेटिविटी फैली हुई है उसको लेके। यस हाँ, तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जैसे कि क्या होता है कि आजकल के जो नए लड़के हैं, काफी लड़के आजकल एक्सपल्स ले या ऑफ रोडिंग बाइक्स ले रहे हैं या फिर कुछ पावरफुल बाइक्स ला रहे हैं जैसे कि Duke 390 समथिंग ऐसे बाइक्स। तो क्या है कि भाई मैं सभी भाइयों से मतलब एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज रोड रैशिंग ना करें, क्योंकि जो काफी मैंने देखी पब्लिक की रोड रैशिंग में मतलब ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है कि रोड्स पे बाइक चला रहे हैं, पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा राइडर के लिए भाई कि भाई राइडर गलत चीजें कर रहे हैं ना। तो भाई जी इसके लिए थोड़ा सा सुधार करना चाहिए राइडर्स को। एक और बात, विद सेफ्टी गियर्स, देखो जी सेफ्टी गियर्स बहुत जरूरी है, अच्छे सेफ्टी गियर यूज करें ताकि आपका कोई क्रैश हो कल दिन तो आपको कोई मेन इंजरी ना हो, है ना, स्टारमर रह गया, नी ब्रेसिस हो गया, अच्छे शूज हो गए, अच्छे ग्लव्स, अच्छे हेलमेट। तो भाई सुन लिए भाई के पॉइंट, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में हम गए थे, भाई कौन सी लोकेशन थी वो? वो काइसदार। काइसदार, काइसदार इको ट्रेल्स। भाई का इंस्टाग्राम आईडी है नीतीश भारद्वाज, नीतीश भारद्वाज रेसिंग, इंस्टाग्राम पे इनको विजिट कर सकते हो। और ठीक है।